गाइज, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे डिफरेंट टाइप की वेव्स में वेवलेंथ का आर्डर, एनर्जी का आर्डर और फ्रीक्वेंसी का आर्डर, जो कि एक ही वीडियो में सभी वेव्स के आर्डर आपको मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवदत्त सिंह, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेजेडी लर्निंग पॉइंट में। गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको सबसे पहले। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव्स, सी गामा एक्स को, जो कि एडिशनल है ट्रिक में, सी गामा एक्स को उल्टा करके देखो तो आई एम आर नजर आता है, आई एम आर नजर आता है। इसमें सी को बोला गया है कॉस्मिक रेज, और यहाँ पर गामा सिंबल बना हुआ है, गामा रेज, और ये है एक्स रेज, उल्टा मतलब अल्ट्रा वायलेट, और देखो मतलब विजिबल लाइट, और आई यहां पर है इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसको आवृत्त किरणें भी कहा जाता है। एम यहां पर माइक्रोवेव्स, और आर से है रेडियो वेव। आपने फार्मूला पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, यहां पर E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और न्यू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। तो अगर इस फार्मूले से देखें तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और न्यू के प्लेस पर C अपॉन लेमडा रखिए तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी वो भी यहां पर कांस्टेंट है लाइट, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मींस अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर है ना। यहां पर हम देखेंगे ये जो ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट चलने का है, और यहां पर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही, मतलब कॉस्मिक रेज से ज्यादा वेवलेंथ गामा रेज का होगा, और गामा रेज से ज्यादा वेवलेंथ एक्स रेज का, एक्स रेज से ज्यादा अल्ट्रा वायलेट, इसके बाद में विजिबल दृश्य लाइट, और फिर आवृत्त किरणें, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का। तो अभी हमने बताया कि अगर वेवलेंथ लैम्डा ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। इतना क्लियर था देखो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच वन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो यहां पर हमने लिख दिया कॉस्मिक रेज, और दूसरा हमने लिख दिया अल्ट्रा वायलेट रेज, और थर्ड में हमने लिख दिया माइक्रोवेव्स, और फोर्थ हमने ले लिया गामा रेज। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ आप बताएंगे, अगर आपको ऑर्डर पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका आएगा, माइक्रोवेव का। क्लियर, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्ड वाला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी इसमें से,
तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी? जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की हो जाएगी। क्लियर है ना सभी को? स्पष्ट है? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।